छात्रों की संलिप्तता आ रही है सामने। हिंसा भड़काने से पूर्व छात्रों की भूमिका की जांच, आपको बता दें पीएफआई के संपर्क में थे ये एएमयू के पूर्व छात्र, जांच एजेंसियां कर रही है इस पूरे मामले की जांच, एएमयू के पूर्व छात्रों की भूमिका पर जांच हो रही है। आपको बता दें बड़ी खबर है जहां एएमयू के पूर्व छात्रों पर ये पूरा मामला उन पर लगाया गया है। आपको बता दें इसी जानकारी पर हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, जिस तरीके से एएमयू के पूर्व छात्रों का नाम आ रहा है हिंसा भड़काने को लेकर, तो इस पर विभाग का क्या कहना है, जो अधिकारी है उन लोगों का क्या कहना है? देखिए, अधिकारी अभी इस मामले पे चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि जो हमारे सूत्र है उनके मुताबिक जानकारी मिल रही है कि इस तरीके के मामले में अब ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जिसमें कुछ हिंसा भड़काने और इन चीजों को बढ़ाने के पीछे एएमयू के कुछ पूर्व छात्रों की संलिप्तता सामने आ रही है, जिसकी जिसको लेकर जो जानकारी मिल पा रही है कि जांच एजेंसियां उसकी जांच कर रही हैं, लेकिन अभी इस पर कोई भी अधिकारी साफ तौर पर बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन ऐसी भी चीजें सामने आ रही कि पीएसआई के संपर्क में भी एएमयू के पूर्व छात्र थे और उन्होंने हिंसा को भड़काने में, प्रदर्शन को तेज करने में इन चीजों में उनका हाथ रहा है, जिन चीजों की और उनकी गतिविधियों की जांच लगातार की जा रही है। जी नीरज, वहीं एएमयू छात्र संघ का इस पूरे मामले पे क्या कहना है, क्योंकि एएमयू के ही छात्रों पर ये सवाल उठ रहे हैं, तो ऐसे में एएमयू छात्र संघ ने अभी तक इस पूरे मामले पर कुछ कहा है? देखिए, अभी अभिषेक, एएमयू के छात्रों की तरफ से इस मामले में कोई भी बयान नहीं जारी हुए हैं, ना किसी तरीके की कोई चीजें सामने आई हैं। लेकिन हाँ, इतनी जरूर जांच हो रही कि इन चीजों को लेकर पीएसआई के कनेक्शन को लेकर एएमयू के कुछ पूर्व छात्रों का कनेक्शन सामने आ रहा, जिसको लेकर लगातार जांच चल रही है। जिन्हें आपसे एक सवाल ये रहेगा कि जो अधिकारी हैं वो किस तथ्य के आधार पर एएमयू के छात्रों पर ये आरोप लगा रहे हैं कि इन लोगों ने प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने का इनके ऊपर जो आरोप लगा है? देखिए, जब से कानपुर में माहौल इस तरीके का आ रहा है, तब से तमाम जो खुफिया एजेंसियां हैं वो लगातार इन चीजों की जांच कर रही है। बाबूपुरवा में पिछले दिनों जब 5 लोग पकड़े गए तो उनका पीएसआई से कनेक्शन निकला था और तमाम अन्य चीजें सामने आई थी, फंडिंग से लेकर तमाम अन्य चीजें, तो अन्य पहलुओं और सभी पहलुओं को ध्यान रखते हुए जो एजेंसियां हैं, खुफिया है, एलआईयू है और अन्य जो टीमें हैं वो लगातार इन चीजों को जांच कर रही है, और ऐसी चीजें सूत्रों के द्वारा पता चल रही है कि ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। जी नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।